सर आज लक्ष्मणगढ़ आए थे, कार्यकर्ताओं में काफी जोश था, आपको कई बार उन्हें बार बार रोकना पड़ा रामा शर्मा के दौरान, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लक्ष्मणगढ़ की ये परंपरा रही है कि जो भी जनप्रतिनिधि रहता है वो दीपावली के दिन रामा शर्मा के लिए आता है। आदरणीय परसा मोरदिया जी 30-35 साल तक यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे, वो भी हमेशा आते थे। केडी बाबर जी भी आते थे, केशव देव जी भी आते थे, और 15 साल से लगातार मैं भी आता हूँ। निश्चित रूप से ये जो भाईचारे की बात है, और दीपावली के दिन हम लोग सब मार्केट में सभी व्यापारी बंधुओं से रामा श्यामा करते हैं, और उसी परंपरा में हम रघुनाथ जी के मंदिर से दर्शन करके और उसके बाद में हम मार्केट में सभी व्यापारी भाइयों से राम राम करते हैं, और आज भी हमने उसी तरीके से राम राम किया है। आज मंदिर प्रांगण में जब आए तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने नारेबाजी करी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा मुझे ध्यान में है, पिछले 50 साल के इतिहास में कभी भी इस तरीके से रघुनाथ जी के मंदिर में, जो सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, उसमें कभी भी पार्टी विशेष की न तो कभी कोई बैठक होती है, न पार्टी विशेष के झंडे जाते हैं, न पार्टी विशेष के नारे लगते हैं। और 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ सभी लोग आते हैं, लेकिन कभी भी पार्टी के नारे, झंडे, पार्टी के नेताओं के नारे और अभद्र जिस तरीके का व्यवहार आज कुछ लोगों ने किया है, मैं समझता हूँ कि वो निंदनीय है। ऐसा मंदिर परिसर में नहीं होना चाहिए था। ये हमारे लक्ष्मणगढ़ के भाईचारे के खिलाफ है, क्योंकि मंदिर में भगवान के दर्शन करने चाहते हैं और भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है वहाँ, और वो सब लोग जाते हैं, किसी पार्टी विशेष का मंदिर नहीं होता है। दूसरी बात, हम बाजार में रामा श्यामा करने आए थे, हम कोई किसी राजनीतिक दल का रोड शो करने या पब्लिक मीटिंग करने के लिए नहीं आए थे। आज तक के इतिहास में लक्ष्मणगढ़ में इस तरीके का नहीं हुआ है। आज जो कुछ भी हुआ है, ये जो भी हमारे बाजार के लोग हैं, जो लक्ष्मणगढ़ के लोग हैं, वो सब देख रहे हैं। और प्रजातंत्र में तो जनता माई बाप होती है और जनता फैसला करती है, और जनता 25 तारीख को अपने मतदान के द्वारा कौन सरकार बनाएगा, कौन जनप्रतिनिधि होगा, इसका फैसला करेगी। यहाँ पर नारे लगाने से कोई फैसले नहीं होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे लोग जो कम से कम 9 दफा वोट ले चुके इस लक्ष्मणगढ़ से, 9वीं दफा ले रहे हैं, उन्होंने पहली बार इस तरीके का प्रदर्शन किया है। ये गोखलाट में किया है या उन्होंने सोच समझ करके माहौल लक्ष्मणगढ़ का खराब करने के लिए किया है, वो तो वो जाने, लेकिन मैं समझता हूँ कि लक्ष्मणगढ़ का भाईचारा, गंगा जमनी जो तहजीब है, उसकी एक मिसाल पूरे राजस्थान में है और वो बनी रहेगी। और हम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई भाई, सब लोग एक साथ। सनातन का सबसे बड़ा त्यौहार है और शांति और सद्भावना का त्यौहार है, इस दौरान इस तरह की नारेबाजी, क्या कुछ लगता है कि ये कहीं ना कहीं माहौल? देखिए, जिनके पास कोई विजन नहीं होता, जिनके पास कुछ बताने के लिए नहीं होता, वो इस तरीके का माहौल खराब करके और झगड़े करा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि लक्ष्मणगढ़ की जनता इसको कतई स्वीकार नहीं करती है, वो अपने विवेक से फैसला करती है, अपनी आत्मा से फैसला करती है और विकास को चुनती है, न कि दंगों को और न कि इस तरीके के फोड़ प्रदर्शन को। थैंक यू।